भीलवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत गुल्ला के समीप राकसपुरिया गांव में लॉकडाउन के तहत ग्रामीण रेस्क्यू करवाकर घरों में घुसे सांप को पकड़वाकर आमजन में राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत गुल्ला क्षेत्र के राकसपुरिया गांव में भेरू सिंह चुनावत के घर में एक बड़ा सांप घुस गया, जिसकी सूचना वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह रणावत को दी गई। सूचना पर भीलवाड़ा से टीम राकसपुरिया गांव पहुंची और टीम ने तत्परता दिखाते हुए सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने से पहले गाँव के उस घर के आसपास के लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इधर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह रणावत ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पकड़ा गया सांप भारत में पाए जाने वाली सबसे जहरीली प्रजाति का कोबरा सांप निकला, जिसे नाग भी सांप कहते हैं। इसके जहर की एक बूंद से 20 से 25 लोगों की जान जा सकती है, जो कि काफी फुर्तीला व खतरनाक सांप होता है। भारत का सांप ग्रामीण क्षेत्रों का काफ़ी जिंदगी तबाह हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है स्नेक बाइट से। तो स्नेक बाइट होने पर सर्वप्रथम कुछ भी नहीं करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना है और आदमी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नज़दीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना है। कभी भी कोई जादू टोना हो कुछ भी नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, इसका हाइली वेनमस है, जिसकी एक बूंद अगर इतनी घातक है 20 से 25 लोग मारे जाएंगे तो सोचिए कि ये कितना इंजन करता होगा जो बाइट करता है। यह प्रकृति के लिए बचना प्रकृति में बच्चा रहना बहुत जरूरी है। कोरोना का प्रकृति बहुत से खिलाड़ करा सकती है, प्रकृति से कोई नहीं सकता है। आपका पैसा या आपका रुपा आपका होगा आपका पद आपको नहीं बचा सकता, प्रकृति आपकी बचा सकती है, इसलिए प्रकृति का सहयोग करें। आप ये नहीं कह रहे कि आपको कहीं दिख जाए तो सहयोग बोले तो आपको सांप पकड़ने हैं या अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई भी वन्य जीव को आपको टच करना है या उसको पकड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, फ़ोन की सुविधा है, इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप अपने नज़दीक की थाने में दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, किसी भी कार्यालय सरकारी कार्यालय में दे सकते हैं, वन विभाग में दे सकते हैं और रेस्क्यूअर में दे सकते हैं और प्रेस जो आपके आसपास के जो प्रेस के कार्यकर्ता हैं जो रिपोर्टर्स हैं उनको आप सूचित कर सकते हैं तो सूचना आ जाती है। पहले रेस्क्यूअर नहीं हुआ करते थे, जानवर काफ़ी मरते थे, लेकिन आज हर क्षेत्र में हर ज़िले में रेस्क्यूअर्स हैं, वन विभाग।